बुंदेलखंड के सागर में प्रसिद्ध और प्राचीन फूलनाथ बाबा का मंदिर है। यहाँ पर आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा से एक सप्ताह तक मेला लगता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग शामिल होने आते हैं। मंदिर के पुजारी घनश्याम गिरी महाराज बताते हैं कि करीब 300 साल पहले यहाँ पर एक नागा सन्यासी थे, जो जंगल में गुफा बनाकर रहते थे और तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर वह विराजमान होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर भक्त का नाम आएगा और फिर उनका नाम आएगा, इसलिए इन्हें फूलनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। ये क्या है, सैकड़ों साल पहले एक नागा सन्यासी हो गए, जिन्हें यहाँ जंगल में गुफा बना के तप किया। उनकी तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उसके बाद उन्हें दर्शन दिए यहाँ, और उन्होंने वरदान दिया कि पहले भक्त का नाम, उसके बाद भगवान का चला गया था। तब से ये फूलनाथ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है, हजारों साल बाद भी आज पूर्ण होती है। जैसे किसी के संतान नहीं होती है, नौकरी पैसा, उनकी हर साल सैकड़ों आते हैं, जिनकी गोदें भरते हैं, कई दुखी बीमार आते हैं, नौकरी कई इनके वक्त अच्छे अच्छी इन पोस्टों पर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं है, जो जिस भाव से आता मन्नत मानता है वो पूर्ण आज भी होती है।